हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक रूड बॉय और क्यूट गर्ल की रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। ये स्टोरी के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट वन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जवान ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर ब्राइट अपनी खोई हुई पोती को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए उनके एम्प्लॉयज इस काम में लगे हुए होते हैं, पर कोई भी रियल ग्रैंड डॉटर नहीं होती। मैक्सिन में एक एग्जीबिशन चल रही होती है। यहाँ पर जियांग, फेंग और शांग अपना आर्टवर्क सभी को प्रेजेंट करते हैं। ये तीनों मिस्टर ब्राइट के असिस्टेंट होते हैं और तीनों हैंडसम होने की वजह से काफी फेमस भी हैं। हमारी हीरोइन याइन अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर एक बुक की डिलीवरी करने आती है। याइन की दोस्त एग्जीबिशन में इन तीनों हैंडसम लड़कों को देखकर उनसे ऑटोग्राफ लेने चली जाती है। शांग तो ऑटोग्राफ दे देता है, लेकिन फेंग और जियांग ऑटोग्राफ देने से मना कर देते हैं। तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। याइन से अपनी फ्रेंड को सेट देखा नहीं चाहता, इसलिए वो उन तीनों की इज्जत वहाँ उतार कर रख देती है। तुम्हारा आर्टवर्क एकदम बेकार है, इसमें टीम वर्क तो दिखाई नहीं देता, याइन उन्हें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कंपनी का जनरल मैनेजर मिस्टर ब्राइट को बोलता है, हमने आपकी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर हमें नहीं मिली। एक्चुअली में मिस्टर ब्राइट की बेटी एक लड़के से प्यार करती थी और उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मिस्टर ब्राइट उसके अगेंस्ट थे, इसलिए उसने उससे भागकर शादी कर ली थी। शादी के बाद उनकी बेटी शैन ने एक लड़की को जन्म दिया और उसके बाद मर गई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव बताते, इतने साल हो गए हैं, हो सकता है आपकी ग्रैंड डॉटर और उसके डैड मर गए हो। लेकिन मिस्टर ब्राइट को इस बात पर यकीन नहीं होता और बोलते, किसी भी कीमत पर मुझे अपनी पोती वापस चाहिए। यूइन अपने अंकल चैन के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। उसके अंकल अपनी बेटी यूरू को खाली बैठा हुआ देखकर उसे अपनी बहन की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। यूरू अपने डैड के वहाँ से जाने पर वो सारी प्लेट यूइन के हाथ में थमा देती है। यूइन से प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसकी आंट मिसेस शियाओ से आकर सुनाती है, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इतना काफी नहीं है क्या, अब सामान भी तोड़ रही हो। लेकिन यूइन अपनी आंट की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती और स्माइल करती रहती है। यूरू अपनी मोम को न्यूज़पेपर में न्यूज दिखाती है। युआन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर ब्राइट अपनी खोई हुई ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रहे हैं। उसकी मदर का नाम शैन था। शैन नाम पढ़ते ही मिसेस शियाओ को याद आता है, ये तो यूरिन की मोम थी, यानी वो इतने बड़े खानदान की बेटी है। दोनों माँ बेटी मिलकर एक प्लान बनाते हैं, यूइन की जगह यूरू उनकी ग्रैंड डॉटर बनकर वहाँ जाएगी। तभी मिस्टर चैन वहाँ आ जाते हैं। दोनों न्यूज़पेपर छुपाकर अंदर चली जाती हैं और दोनों मिलकर प्रूफ इकट्ठा करने का डिसाइड करती हैं, ताकि वो मिस्टर ब्राइट को यकीन दिला सके यूरू ही उनकी ग्रैंड डॉटर है। यूइन ऑनलाइन चानू नाम के एक बंदी से चैट कर रही होती है और अपने बनाया हुआ आर्टवर्क का डिजाइन उसे भेजती है। वो रिप्लाई करता है, मुझे तुम्हारा डिजाइन पसंद आया, क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी। यूइन तुरंत हाँ का रिप्लाई सेंड करती है। वो यूइन को कल मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। यूइन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यूइन जिस बंदे से बात कर रही थी, असल में वो जियांग था, पर दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। यूरू यूइन के पास आकर उसका हेयर पिन मांगती है, यूइन का बाल भी लगा हुआ था। यूरू उस हेयर पिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिसेस शाओ प्रेसिडेंट यानी मिस्टर ब्राइट से मिलने जा रही थी, तभी यूइन उनसे आकर पूछती है, मुझे एक असिस्टेंट की जॉब का ऑफर आया, क्या मैं फुल टाइम जॉब वहाँ कर सकती हूँ। पर उसकी आंट उसे साफ मना कर देती है, हमें रेस्टोरेंट में तुम्हारी जरूरत है, तुम यही काम करो। ये सुनकर यूइन सैड हो जाती है। मिसेस शाओ मिस्टर ब्राइट की कंपनी में पहुँचती है। उनसे मिलने प्रेसिडेंट का खास असिस्टेंट मिस्टर मू आते हैं। मिसेस शाओ बोलती है, मेरी भतीजी ही उनकी ग्रैंड डॉटर है, मैंने ही 20 साल से उसका ध्यान रखा है। मिसेस शाओ उन्हें यकीन दिलाने के लिए यूइन के डैड की फोटो देती है और यूइन का बाल भी देती है, ताकि वो डीएनए टेस्ट कराकर ये बात कंफर्म कर सके। मिस्टर मू बोलते हैं, जैसे ही कंफर्म हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिस्टर मू वो फोटो और बाल प्रेसिडेंट को दे देते हैं। तभी तीनों हैंडसम असिस्टेंट वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं, मुझे शायद मेरी ग्रैंड डॉटर मिल गई है, तुम्हें उनके घर जाकर सब कुछ देखना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तीनों यूइन के घर पहुंच जाते हैं। मिसेस शाओ उनका बड़े प्यार से स्वागत करती है और अपने बेटे यांग को बाहर भेज देती है, ताकि वो यांग को रेस्टोरेंट के अंदर ना आने दे। ये तीनों अंट से पूछते हैं, आपके घर में कितने मेंबर रहते हैं। अंट बताती है, 4 मेंबर रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी भतीजी याइन। जियांग बोलता है, पक्का 4 लोग रहते हैं। अंट बोलती है, मेरी बेटी भी है, पर वो अब्रॉड में जॉब करती है, यहाँ नहीं रहती। मिस्टर चैन अपनी वाइफ की बातें सुन लेते हैं। भारियन याइन को अंदर जाने से रोक रहा था, पर याइन उसे चकमा देकर अंदर आ जाती है। उसकी आंट बात को संभालते हुए बोलती है, ये हमारे पड़ोसी की लड़की है और यहाँ पर काम करने आई है, यानी उसे मेड बना देती है।
तीनों याई को देखकर उस पर चढ़ जाते हैं और पूछते हैं, तुमने उस दिन एग्जीबिशन में आकर हमारे आर्ट वर्क को इंसल्ट कैसे किया। याई बोलती है, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारा वर्क पसंद नहीं आया। सियांग बोलता है, तुम एक डिजाइनर होकर किसी और के टैलेंट को ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकती हो। तभी अंत बीच में आकर याई को वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैन अपनी वाइफ से पूछते हैं, तुमने सबको झूठ क्यों कहा, हमारी बेटी जॉब के लिए अब्रॉड में गई है और याई यहाँ पर मेड का काम करती है। मिसेस शाह उन्हें न्यूज़पेपर का एड दिखाती है। मिस्टर चैन सारा मामला समझ जाते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, यूई तुम्हारे भाई की बेटी है और तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। लेकिन मिसेस शाह के सामने उनकी एक नहीं चल पाती और बोलते, मैंने 20 साल तक उनकी पोती को पाला है, इसके बदले में इतना तो मिलना ही चाहिए। यांग अपनी मोम से बोलता है, लेकिन अगर याई को सच पता लग गया तो। उसकी मोम बोलती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। जिसके बाद मिसेस शाह याई को आकर बोलती है, तुम असिस्टेंट की जॉब करना चाहती थी ना, जाओ 3 बज गए हैं, जल्दी यहाँ से निकलो। याई को समझ नहीं आता अचानक से उसकी आंट इतनी अच्छी कैसे हो गई और वहाँ से चली जाती है। इधर जियांग लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ उसने अपनी ऑनलाइन वाली लड़की यानी याही को ही मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन 3 बजने पर भी जब याही वहाँ पहुँचती नहीं तो जियांग वहाँ से चला जाता है। तभी याही वहाँ पहुँच जाती है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। जियांग वापस आकर देखता है तो उसे वहाँ याही खड़ी हुई दिखती है और वह समझ जाता है जिसे वो ऑनलाइन चैट करता था वो याही ही थी। मिस्टर मू प्रेसिडेंट को आकर डीएनए रिपोर्ट देते हैं जिससे साबित हो जाता है याही उनकी ग्रैंड डॉटर है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मू अपने आदमियों के साथ मिसेस शाओ के घर पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं, प्रेसिडेंट आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं और उन्हें कंफर्म हो गया है याही उनकी ग्रैंड डॉटर है। नेक्स्ट सीन में मिसेस शाओ की फैमिली प्रेसिडेंट के घर में होती है। टूरू प्रेसिडेंट के सामने इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है ताकि उन्हें बिलीव दिला सके वही उनकी पोती है। प्रेसिडेंट बोलते हैं, अब से मेरी पोती मेरे साथ नहीं रहेगी। ये सुनकर मिसेस शाओ रोने धोने की नौटंकी करने लग जाती है। भले ये मेरी बेटी नहीं है पर मैं इसे दूर नहीं रह सकती। ये सुनकर प्रेसिडेंट बोलते हैं, आप सभी भी इसी घर में शिफ्ट हो जाओ। ये सुनकर मिसेस शाओ और उनका बेटा खुशी से पागल हो जाते हैं। अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तीनों असिस्टेंट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें यूरू से मिलवाते हैं, ये मेरी पोती याइन है। डिनर स्टार्ट होता है, मिसेस शाओ भुखरों की तरह खाने पर टूट पड़ती है। ये देखकर उनके हस्बैंड को काफी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है। प्रेसिडेंट सभी को बताते हैं, कल एग्जीबिशन वाली पार्टी में मैं यूई को ऑफिशियली अपनी ग्रैंड डॉटर अनाउंस कर दूंगा। तांग घर पहुंचकर जियांग को ऑनलाइन मैसेज सेंड करती है, सॉरी मैं लेट हो गई, क्या तुम मुझे दूसरा चांस दे सकते हो। मिसेस शाओ की फैमिली वापस घर आ जाती है, सभी बहुत एक्साइटेड थे नए मेंशन में रहने के लिए। और उनके हस्बैंड बोलते हैं, मैं वहाँ नहीं रहूंगा, तुम लोगों के साथ मैं ही नहीं रहूंगा। जियांग से मिलने उसकी दोस्त कुआना आती है और वो जियांग के कंप्यूटर पर याइन का मैसेज देख लेती है। जियांग को उसे रिप्लाई करने को कहती है। जियांग याइन को रिप्लाई करता है, मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं दे सकता। याइन सैड होकर मैसेज का रिप्लाई करती है, मैं समझ सकती हूँ मेरी गलती है, और उसे अपने डिजाइन का कलर सेंड करती है। जियांग को वो काफी पसंद आता है। कुआना बोलती है, तुम्हें उसके डिजाइन पसंद है ना, तो तुम उसे हाँ क्यों नहीं बोल देते। जियांग बोलता है, टैलेंटेड है इसका मतलब ये नहीं मैं उसे हायर कर लूंगा। लेकिन कुआना अपने दोस्त की बातों को इग्नोर कर यूइन को मैसेज करती है, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, और उसे कल की एग्जीबिशन पार्टी में भी इनवाइट कर लेती है। ये मैसेज पढ़कर याइन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे याइन पार्टी में जाने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। उसके दोस्त उसे बोलते हैं, लगता है तुम्हें अपने ऑनलाइन वाले लड़के से प्यार हो गया है। ये सुनकर याइन शर्माने लग जाती है। याइन पार्टी में पहुँचती है, यांग और उसकी मोम उसे देख लेते हैं। यांग अपनी मोम के कहने पर याइन को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। पाना और जियांग ये सब देख रहे थे। याइन अपने कजन ब्रदर से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यांग बोलता है, मेरी मोम ने तुम्हें यहाँ से भगाने को कहा है, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। याइन बोलती है, पहले मैं उससे मिलूंगी जिससे मिलने आई हूँ, फिर यहाँ से जाऊंगी। तभी मिसेस शाओ जानकर उसके ड्रेस पर आकर केक लगा देती है, बाकी सभी ये देख रहे होते हैं। याइन एम्बेरस होकर रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। यांग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पाना याइन के पीछे आती है और उसकी ड्रेस साफ करते हुए बोलती है, तुम चुआन से मिलने आई थी ना। याइन पूछती है, तुम्हें कैसे पता और तुम कौन हो। पाना बोलती है, मैं उसकी दोस्त हूँ, वो आज पार्टी में नहीं आएगा, ये मैसेज देने के लिए उसी ने मुझे कहा था। और तुम मिसेस शाओ को कैसे जानती हो, वो तुम्हारी कुछ लगती है क्या। याइन उसे कुछ नहीं बताती। पाना बोलते, तुमने न्यूज में सुना ही होगा, युआन ग्रुप के प्रेसिडेंट अपनी खोई हुई पोती को ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें मिल गई है, मिसेस शाओ की भतीजी, उनका नाम याइन है। ये सुनकर याइन तो शॉक में चली जाती है और घर आकर अपने अंकल से इस बारे में पूछती है। उसके अंकल उसे सब कुछ बता देते हैं और उसे बता दे, तुम्हारी सेल्फिश आंट ने तुम्हारी जगह अपनी बेटी टूरू को उनकी पोती बना दिया है।
और असल में रियल ग्रैंड डॉटर तुम हो। ये सुनकर यायिन तो शॉक में चली जाती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, मिस्टर ब्राइट ने अपनी पोती को वापस लाने के लिए अपने आदमियों को यायिन के डैड के पास भेजा था, पर वो अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमेशा यायिन को उनसे छुपाने के लिए इधर उधर भागते रहते थे। इसी चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो गई और एक दिन मर गए। कजन में यायिन अपने डैड की मौत का जिम्मेदार मिस्टर ब्राइट को मानती है। इधर मिसेस शव मौके का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट से पैसे मांग रही होती है। प्रेसिडेंट समझ जाते हैं लालची टाइप की औरत है, इसलिए उठकर चले जाते हैं। टांग मिसेस शव से पूछता है, आपने उस लड़की के ऊपर केक कैसे गिराया? मिसेस शव बोलती है, मैंने नहीं गिराया, ये एक्सीडेंटली हो गया है। लेकिन जियांग बोलता है, मैंने देखा था अपनी आंखों से, ये एक्सीडेंट था या जान पूछ कर? जियांग बोलता है, मेरी मोम ने कहा है ना, तुम मान लो ये एक्सीडेंट था। जियांग बोलता है, चलो मान लिया ये एक्सीडेंट था, तुम उस लड़की को वहाँ से भगाने में क्यों लगे हुए थे? मिसेस शव बोलते, तुम अपनी लिमिट में रहो, ये मत भूलो मेरी भतीजी प्रेसिडेंट की पोती है। जियांग बोलता है, आप जैसे लोगों से मैं इसी तरह बात करता हूँ? मिसेस शव बोलती, अभी मुझसे माफी मांगो। जियांग बोलता है, पहले आपको उस लड़की से माफी मांगनी होगी उसकी इंसल्ट करने के लिए। तभी मिसेस शव को उनके हस्बैंड मिस्टर चैन का कॉल आता है और बताते हैं यायिन को तुम्हारी करतूतों के बारे में सब कुछ सच पता चल चुका है। सुनकर मिसेस शव तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मैक्सिम में जियांग यायिन को मैसेज करता है, तुम्हारा मूड कैसा है? तो रिप्लाई करती है, आज बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। वैसे वो लड़की कौन थी? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा था? जियांग रिप्लाई करता है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। ये मैसेज पढ़कर यायिन खुश हो जाती है, यानी मेरे पास अभी भी एक चांस है। टूरू जियांग से मिलने आती है और उसे बोलती है, मेरी आंट ग्रेडी है और वो काफी अच्छी है, उन्होंने कितने सालों तक मेरा ध्यान रखा है, तुम उन्हें गलत मत समझना। एक एक यूरू बाहर आती है और बोलती है, मैं जियांग के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहूंगी। इधर शैंग और फ्रैंको मिसेस शियाओ और उनकी बेटी यूरू पर डाउट होने लगता है, इसलिए दोनों सच पता लगाने का डिसाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।